मैं भी नेपाल में आए धेरे बार सुन लगे अलमोस्ट सिक्सटी टू वर्ष हो को आ बचपन में ही आक बाइस दस साल के ऊपर में आक थी और प्लस एटी फाइव होने लगे त्रिभुवन राजपथ अरे बंद थी तेल पहली कमर्सियल गाड़ी मैं ले ले को के यहाँ पर ये गुरुद्वारा तो ये बाद में बनाक यहाँ बटे जगह रहे सब सब मिले ये गुरुद्वारा बनाए पहले हमी न्यू रोड में न्यू रोड में एक रेंटेड रेन्टेड वहाँ गुरुद्वारा पहले वहाँ गुरुद्वारा बनाया थोड़े <coughs> चार पाँच साल वहीं बस को पाँच सात साल के पचाड़ी हमी गुरुद्वारा यहाँ आएर ये जगह कि हमीर ये आस्ते आस्ते पहले छोटो बिल्डिंग थो तो थी पहले पुराना बिल्डिंग थो उसमें गुरुद्वारा राखे को। रास्ते से पहले सब मं एक करो गुरुद्वारा बनाने लाई अब बोली हमारा जो बड़ो धरें ठूल दिन हो गुरु गोविंद सिंह जी को जन्म जन्मदिन हो उसको जन्मदिन में हमी ले बोली यहाँ के धर लंगर लंगर भी होन भजन भी हो प्रोग्राम ग्यारह साढ़े ग्यारह समय आई राखे निधक प्रोग्राम हमेशा दो तीन हो। हमें बोली समय दो तीन ग्यारह बजे समय राख को धेरे ठूल प्रोग्राम छाइना गुरु गोबिंद सिंह जी गु� को जन्म पटना में पटना पटना में भेगो उन पाँच पाँच समय वहाँ पटना में थी उसके उसके बाद उन वहाँ बट अम्मा बाबूले वहाँ ले गई उन जिंदगी देरे धर मुगल संग धर लड़ाई लड़ाई लड़ना पड़े उन सोलह सिक्सटी नाइन्टी नाइन में ये सिखिज्म जो है इसको ये को अब उसी को गुरु गोविंद सिंह जी ले भी, दे रही, दे रही अपने अपने टाइम में देरे टाइम आ, लड़ाई लड़ाईरूम ही बस्यो किंदूर मतलब कि उस, में धेरे जुल्मो ये मुगल मुगल तेल मतलब है कि उसको खिलाफ में जति भी जंग लड़े सारावटा लड़ाई लड़े को तारहवटा ही जीते को एक भी हारे को थी ना तो ये हमारे सिख सीख हिस्ट्री हो सीखर लाई धेरे धीरे दुख पाए रहे ये सिखिजम अगाड़ी को मन करता सब लोग यहाँ बुलाव लेकिन अब इस तो परिस्थिति योस्थितिप तो अलगति अलगति ध्यान ही अब बाकी हमीर सब बंदोबस्त यहाँ सैनिटाइज करने सोशल डिस्टेन्स करने ये जितनी भी गवर्नमेंट को जो भी गाइडलाइन ये सब गाइडलाइन हमी कर बनाने यही हमारा भोलि को ये प्रोग्राम